अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व भर में लोग योग करके अपने शरीर को रोग मुक्त बना रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में, जहां पर हजारों की तादाद में सुबह 5 बजे से योग करने के लिए लोग जमा हुए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर बिजनौर जिले के प्रभारी मंत्री श्रीकांत वर्मा पहुँचे। मंत्री श्रीकांत वर्मा ने कहा कि योग को किसी राजनीति से न जोड़े, बल्कि योग तो शरीर से रोग को भगाने का काम करता है। साथ ही मैदान में योग करने वालों की इतनी भीड़ देखकर लोगों के मन में योग को लेकर काफी उत्साह उमंग देखी गई। ऐसे भारतीयों के लिए हर्ष की बात है, सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है, गर्व की बात है कि आज भारतीय संस्कृति का पूरा विश्व अनुपालन कर रहा है। पहले समय होता था कि हम लोग पश्चिम की सभ्यता को कहीं ना कहीं फॉलो करते थे, लेकिन अब योग दिवस के रूप में आज तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन कर रहा है, साधुवाद दे रहा है कि उनके प्रयास से पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहा है, योग दिवस मना रहा है। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि योग दिवस पर लोग राजनीति ना करें, बल्कि योग करें और उससे उनके जो मन में विकार हैं वह स्वस्थ होंगे, उनका शरीर स्वस्थ होगा, उनका मन स्वस्थ होगा, और जब विपक्ष का मन और शरीर स्वस्थ होगा तो देश भी स्वस्थ होगा।